बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस इकबार और आप देख रहे हैं जी अपना यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़िम्मान में रखे। हाजिर जी रोड की नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ, शाहराह कश्मीर यानी कश्मीर रोड डड्याल तक कलर सेना जो रोड बन रही है इसकी अपडेट के साथ फिलवक्त जी मौजूद हूँ कलर सेना बाईपास जी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जी बाईपास में छोटा सा हिस्सा रह गया था जी कारपेट करने का, तो अभी जी ये हिस्सा कारपेट शुरू किया जा रहा है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं निशान वगैरह लगाए गए यहाँ पर और आगे डैम्पर खड़ा किया गया। अभी कारपेट बिछाने वाली मशीन यहाँ पर जी एडजस्ट की जा रही है। थोड़ा छोटा सा हिस्सा है जी, बिल्कुल छोटा सा, यहाँ से लेकर जी यहाँ तक बिल्कुल कैमरे के एंगल के अंदर भी आ रहा है जी, डैम्पर के मुंह तक जी आगे यहाँ तक जी आज कारपेट करनी है। आज मोड़ा पटियाल में भी कारपेट की गई है, दोनों साइडें कारपेट है जी, यहाँ से लेकर आगे चौहासा तक रोड स्ट्रेट जी, दोनों साइडें बेहतरीन कारपेट है और कोई भी एक इंच का भी गैप मेरे ख्याल से नहीं छोड़ा गया। तो अभी चेक करें, अभी एडजस्टमेंट की जा रही है मशीन की। ये चेक करें जी यहाँ से, अभी ये जी जो टैंक होता है जहाँ पर एस्फाल्ट डालनी होती है जी, यहाँ पर ये ओपन किया गया। अभी टेम्पर इसके साथ लगाएंगे जी और फिर एस्फाल्ट डालना शुरू करेंगे जी। कलर सेना बाईपास, ये कलर सेना बाईपास जी इस तरफ और मेन कलर सेना बाजार जी इस तरफ। ये छोटा सा जी रह गया था पहले जो उस साइड से आने वाले ट्रैफिक होती है बाईपास है जी, जो शाहराह कश्मीर के ऊपर ट्रैफिक आती है तो उसके लेफ्ट साइड पे यहाँ पर जब भी कारपेट होने वाली थी छोटा सा छोड़ा गया था। ये नहीं मालूम कि क्यों छोड़ा गया था पहले, लेकिन पहले सेंटर में ये यहाँ से लिंक की गई थी इस तरफ से जी, आने जाने के लिए ट्रैफिक सेंटर वाले रोड से ही आती थी। तो अभी लेफ्ट साइड पर जी इंशाल्लाह कारपेट हो जाएगी बेहतरीन। अभी रूलर वगैरह जी यहाँ पर पीछे खड़े, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को जी यहाँ पर, ये जी PSO को पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने जी यहाँ पर अभी एस्फाल्ट डालने का काम शुरू हो रहा है जो रोड की एक साइड रह गई थी जी। अभी चेक करें, तो ये जी अभी डैम्पर साथ लगाया जा रहा है जी एस्फाल्ट मशीन के साथ यहाँ पर जी। कलर सेना बाईपास पर जी हम लोग इस वक्त मौजूद हैं PSO पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने। यहाँ पर जब भी थोड़ा सा इशारा करें एस्फाल्ट करने का कारपेट करने का, तो यहाँ पर वो करने लगे हैं जी। ये चेक करें जी, अभी डैम्पर से जी एस्फाल्ट अनलोड हो रही है जी कारपेट मशीन के अंदर और बाकी इतना टाइम लगता है जी इस काम में सिर्फ ये चक्कर जी एस्फाल्ट यहाँ से आती हुई जी डैम्पर से जी मशीन में आती हुई। बेहतरीन हो जाएगा जी। अभी ये छोटा सा गैप जी मेरे जहन में नहीं था, ये छोटा सा गैप रह गया था जी यहाँ पर कलर सेना बाईपास पर और अभी इसको भी कारपेट इंशाल्लाह यहाँ पर कर देंगे जी। चक्कर जब भी मशीन आहिस्ता आहिस्ता पुश कर रही है जी, तो ये इस तरफ जी रूलर वगैरह रेडी कर दिए गए हैं जी। अभी रूलर यहाँ पर चलाए जाएंगे इसी के ऊपर। अभी बेहतरीन हो जाएगी जी इंशाल्लाह, बेहतरीन हो जाएगा। यहाँ से एस्फाल्ट का एक और ट्रक मेरे ख्याल से यहाँ पर आया, इसको जी आगे भेजा जा रहा है जी।
देखिए जी। कलर शेडा बाईपास का जो ये किसान रह गया था कारपेट करने वाला, तो अभी उसको जी कारपेट यहाँ से शुरू कर दी गई है। ये आप देख सकते पीछे जी, यहाँ से स्ट्रेट चौहालसा तक रोड की दोनों साइड बेहतरीन कारपेट है। और अभी मेरे ख्याल से जी कोई बीच में मेरे अंदाजे से कोई गैप नहीं छोड़ा गया यहाँ से। अगर कोई छोड़ा गया हो, आपको मालूम हो तो लाजमी कमेंट कीजिएगा, जगह बताइएगा। तो मेरे ख्याल से जी तकरीबन कारपेट मुकम्मल है जी यहाँ से कलर सेदा से लेकर चौहा खालसा तक। 7 किलोमीटर शायद बनता है एरिया जी, या इससे कम। तो ये थी जी इस तरफ से जी अपडेट, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं जी, कि फेज़ वन में जो कलर सेदा तासर से बच्चा जो रोड बन रही है फेज़ वन यानी, तो यहाँ पर जी अभी कारपेट का छोटा सा हिस्सा जी बाईपास को जो मैन शारे कश्मीर कलर सेदा के रोड के साथ कनेक्ट कर रहा था जो छोटा सा पीस, तो यहाँ पर कारपेट रह गई थी, यहाँ पर अभी कारपेट की जा रही है जी। तो पीछे जी मोड़ा पटियाल में भी जी आज अच्छी खासी कारपेट हो चुकी है और दोनों साइड उसकी कारपेट मुकम्मल है। और ये हिस्सा छोटा सा रह गया था जी रोड को आपस में कनेक्ट करना था, तो ये भी आज कारपेट हो चुका है जी। तकरीबन इंशाल्लाह हो जाएगा थोड़ी देर तक, ये डैम्पर जहाँ तक खड़ा है जी यहाँ तक ही कारपेट ये होने वाली है जी। बाकी जी आगे इस तरफ जी कलर सेना बाईपास, सामने मोड़ा मरीद, रॉयल मैरिज हॉल जी, मैरिज हॉल के सामने से जी कारपेट का काम शुरू किया गया था यहाँ से, और फिर बाईपास के साथ जी रोड कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और बाकी जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से कलर सेना तक कलर सेना से चौहासा तक जी रोड अल्हम्दुलिल्लाह जी बेहतरीन कारपेट हो चुकी है। और आप लोगों को जी हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं लाजमी कमेंट में बताइएगा। और जो लोग जी वीडियो पर कमेंट करते हैं उन लोगों का जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की हौसला अफजाई का। ये चक्कर है जी, अभी मशीन जो कार्बन मशीन है साथ साथ पुश करती हुई और डैम्पर को साथ आगे पुश करती हुई। इसके बाद जी यहाँ पर रूलर वगैरह चलाए जाएंगे, रूलर यहाँ पे खड़े हैं जी। पहला ये कूलिंग के लिए काम करता है, इसके साथ जी पानी का टैंक लगा होता है, ये इसके रूलर के ऊपर पानी वगैरह भी छिड़काव हो रहा होता है पानी का, और साथ ठंडा करता हुआ एस्फाल्ट को जी आगे जाता है। और ये पीछे वाला रूलर जो है ये उसके बाद वो प्रेस करता है जी साथ साथ रोड को। ये चेक कर सकते हैं आप जी कलर सेदा बाईपास, और ये चक्कर जी अभी यहाँ से थोड़ी रोड चौड़ी होती है, तो यहाँ से जी एक साइड के एक्सटेंड किया गया है इसको कंट्रोलर की मदद से यहाँ पर मशीन को जी कार्बन मशीन को, तो उस साइड से ज़्यादा डाल रही है और इस साइड से जी थोड़ा सा कम यूँ मूव करती हुई जा रही है, साथ साथ क्लोज करते हुए जा रहे हैं जी। चक्कर डैम्पर तकरीबन खाली हो चुका है जी, अभी एक ही डैम्पर था जी, थोड़ी सी स्पॉट इसमें रह गई थी मेरे ख्याल से, कुछ जो है पीछे मोड़ा पटियाल में इसी डैम्पर से जी निकाल के डाली गई है और कुछ यहाँ पर जी डाली जा रही है जी। कलर सेदा बाईपास PSO पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने जी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, और यहाँ पर जी कारपेट का फिनिशिंग काम जी इस रोड का जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है जी। इसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है जी चौहा खालसा से आगे सरसोबशा वाली साइड पे जो इसी कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पर इंशाल्लाह कारपेट करेंगे जी। चक्कर जी बेल्टों को जी ऑयल वगैरह लगा के जी यहाँ पर साफ़ करते हैं, क्योंकि सवाल इसके साथ जी चिपक जाती है, तो ऑयलिंग वगैरह के साथ काम करते रहते जी। सारे टूल यूज़ हो रहे हैं जहाँ पर, ये खुरपा था जी, ये बेलचे वगैरह, तो ये सारे जी ऑयल के साथ, इसी ऑयल के साथ यहाँ पर साफ़ किए जाते हैं जी। अभी दोबारा से जी जग उठाया जा रहा है जी डैम्पर का, और एस्फाल्ट अनलोड की जा रही है मशीन के अंदर। बिल्कुल छोटा सा हिस्सा जी यहाँ पर रह गया अभी, छोटा सा ऐसा ये कारपेट करने वाला, तो ये अब इसको भी कारपेट कर रहे जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ा बेहतरीन काम हो गया, बड़ी सहूलत होगी यहाँ की आवाम के लिए, और आवाम को भी चाहिए जी थोड़ा सब्र सुकून से काम लें,
थोड़ा बहुत जो है वो आराम से गाड़ी बाइक वगैरह चलाया करें और दूसरों को भी बचाएं और खुद भी बचें जी। अभी जितनी फ्लैट और जितनी स्मूथ रोड हो गई है तो इतना ही खतरा हो गया जी एक्सीडेंट वगैरह का। तो कोशिश करें जी आराम से चलाएं, रफ ड्राइविंग वगैरह ना करें जी, और दूसरों को बचाएं और खुद भी बचें। ये चेक करें जी, अभी रूलर इसके ऊपर चलाया जाएगा जी, रूलर यहाँ से सीधा करते हुए जी रूलर को। चक्कर अभी बिल्कुल जो है वो खाली किया जा रहा है डंपर मशीन के अंदर, मशीन कारपेट बिछाती हुई साथ आगे जा रही है। छोटा सा हिस्सा बिल्कुल मेरे ख्याल से जब बिजली डंपर मैन बाईपास के ऊपर जहाँ पे रोड ठीक है वहाँ पे ऊपर चला गया होगा, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर रह गया था जी कारपेट करने वाला। अभी रोलर भी सीधा कर लिया गया जी, अभी इसके ऊपर रोलर चलाएंगे जी, तो बेहतरीन इंशाल्लाह ये रोड का काम जी फिनिश हो जाएगा यहाँ पर। टाइम तकरीबन जी अभी हो रहा है दिन के तकरीबन 10 बज रहे हैं जी, आज सुबह 7:30 बजे के करीब काम शुरू किया गया था मोड़ा पटियाल में, और उसके बाद जी यहाँ पर कलर खेदा बाईपास के ऊपर जी कारपेट की जा रही है जी रोड। चक्कर डंपर खाली हो चुका है जी अभी, और अभी मशीन जी एसफाल्ट बिछाते हुए जी आगे को जा रही है जी। कलर खेदा बाईपास पर जी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, और ये थी यहाँ से अपडेट। तो अभी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इस वीडियो को ड्रैग नहीं करना चाह रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोग जी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और लास्ट में जी अगर आप लोग जी मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाकर फॉलो कर लें। तो इंशाल्लाह जी आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो अभी रूलर ने अपना काम शुरू कर दिया जी इस फॉल्ट के ऊपर, इसको कूल करने का, ठंडा करने का और प्रेस करने का काम जारी जी।